जी जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास टाटा पावर के हैं 200 शेयर 248 के भाव पे सर। ठीक है, हाँ तो सर उसके बारे में जानना। कब तक रुक सकते हैं आप, कोई नजरिया? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कुलदीप जी और टाटा पावर में अच्छे लेवल पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 248 जो है इनका खरीद भाव है फिलहाल, इनके भाव से काफ़ी ऊपर स्टॉक का। चलिए इस पर एक राय देने की कोशिश करते हैं कुणाल जी। टाटा पावर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्या होगी सलाह? अगर हम लंबे अवधि के चार्ट की बात करते हैं तो अप्रैल 2022 में ये काउंटर करीब करीब 280-290 के बीच में चल रहा था। इनफैक्ट रिसेंटली जस्ट 3 वीक्स बैक इस काउंटर ने पहला ब्रेकआउट दिया वही लेवल का और अभी ये ऑल टाइम हाई जोन पे चल रहा है। आई थिंक फ्रॉम हियर अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली इस काउंटर में बने रह सकते हैं, बाय ऑन डिप की रणनीति भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बाय एनी चांस अगर ये काउंटर हमें 300 पे मिलता है तो पिरामिड स्टाइल पे वी कीप ऑन एडिंग द पोजिशन। आई थिंक इसके पोजिशनल टारगेट्स जो मेरे चार्ट पे एज ऑफ नाउ मुझे दिख रहे हैं वो करीब 380 से 385 तक के लेवल्स हैं। सो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू टाटा पावर इज अ क्लियर बाय एंड बाय ऑन डिप ऑल्सो हमारे व्यूअर के पास है तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। ठीक है, तो बने रहने की सलाह आपको लॉन्ग टर्म